गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अतिश जैन। आज हम रिव्यू करने वाले हैं होंडा सिटी 4th जेन को। ये होंडा सिटी 4th जेन का वी मॉडल है जो आज भी इंडिया में सेल के लिए अवेलेबल है, जबकि होंडा सिटी 5th जेन आने के बाद भी इतना टाइम हो चुका है। अगर हम फ्रंट की बात करें तो इसमें हमें हैलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं, हैलोजन फॉग लैम्प्स मिलते हैं, क्रोम ग्रिल विद हनीकॉम डिज़ाइन मिलती है। अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें हमें 1500cc का IVTEC इंजन मिलता है पेट्रोल का, जो प्रोड्यूस करता है 118 हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो हमें इसमें कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलता है ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड डोर पे। टायर्स की बात करें तो ये जो हमारे टायर्स हैं ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं 16 इंचेस के। अगर हम गाड़ी की रेयर की तरफ आते हैं तो हमें जो रेयर विंडशील्ड है उस पर डिफॉगर मिल जाता है। आपको इसमें पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे गाइस और हैलोजन टेल लैम्प्स, और यहाँ पर आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। इसके पैसेंजर साइड पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। आपको इसमें बटन क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर हाथ रखेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो गई है। ORVMs की बात करें तो यहाँ पे हमें ORVMs पे भी इंडिकेटर मिल जाते हैं। अगर हम रेयर सीट की बात करें तो यहाँ पे हमें दो फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं विद आइसोफिक्स स्टाइल शीट माउंट्स। डोर पे आए अगर हम तो हमें एक ट्विटर और एक स्पीकर, डोर हैंडल और पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो आगे वाली पैसेंजर साइड सीट है ये अभी बिल्कुल पीछे करी हुई है मैक्सिमम पे, फिर भी मेरे पास लेग रूम बचा है। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है और यहाँ पे 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें रेयर AC वेंट्स मिलते हैं, उसके साथ हमें डुअल 12 वोल्ट पावर सॉकेट्स मिलते हैं और सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें दो कप होल्डर्स भी हैं। यहाँ पे हमें ग्राम हैंडल्स मिलते हैं दोनों तरफ विद कोट हुक हैंगर। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बूट की बात करें गाइस तो हम वो की से अनलॉक कर लेंगे। इसका जो बूट स्पेस है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और वो हमें प्रोवाइड करता है 510 लीटर्स की बूट स्पेस। और जो इसका स्पेयर व्हील है वो हमें इस बूट मैट के अंडर नीचे मिलेगा, जो कि अलॉय नहीं है पर सेम साइज टायर है। अगर हम यहाँ अब ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें मैनुअल सीट्स मिलेंगी विद हाइट एडजस्टेबल फीचर। डोर पैड की बात करें तो यहाँ पे हमें पावर विंडो कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक का हैंडल, ट्विटर और एक स्पीकर मिलेगा। वहीं हम इसके राइट कंसोल में आएँ अगर तो यहाँ पे हमें ORVM एडजस्ट करने का, फोल्ड अनफोल्ड करने का बटन मिल जाएगा। उसके नीचे हमें हेडलाइट लेवलिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। फिर ये स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा जो अभी बारी बारी ब्लिंक हो रहा है। ऐसा कुछ हमें इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा। तो एक बारी कार को स्टार्ट करके करते हैं। अगर हम सेंटर में आते तो इसमें 5-speed गेयरबॉक्स मिलेगा गाइस। ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड दिखता है जो कि एक स्पोर्टी और एलिगेंट डिज़ाइन का मिक्स कह सकते हैं आप। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, फिजिकल हैंडब्रेक मिलेगी और जो आर्मरेस्ट है उसके अंदर थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी है। जो ग्लव बॉक्स है उसमें आपको कुछ ऐसी स्पेस मिलेगी। जो पैसेंजर साइड सन वाइजर है उधर आपको एक वैनिटी मिरर भी मिलेगा। यहाँ पे आपका IRVM मिरर है जो कि ऑटो डिमिंग नहीं है, इसको आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करें तो इसमें आपको कोई भी वैनिटी मिरर या टोल रिसीट होल्डर नहीं मिलेगा।
बात करें अगर हम इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो एनालॉग क्लस्टर है गाइस, जिसमें आपको एक जो सबसे राइट वाला जो एनालॉग मीटर है उसमें डिजिटल स्क्रीन मिलेगी, जिसमें आपकी एवरेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, टाइम, ये फीचर्स प्रोवाइड होंगे विद फ्यूल गॉज, एंड ऊपर आपको इंस्टेंटेनियस माइलेज जो आपको गाड़ी दे रही है वो प्रोवाइड भी रहेगा। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिलेंगे, जिससे आप सेट, रीसेट और कैंसिल कर सकते हैं। सेंटर में आपको हॉर्न का, हॉर्न के लिए बटन मिलेगा, और इसका जो हॉर्न है वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। लेफ्ट साइड में आपको जो आपका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके बटन्स मिलेंगे, कंट्रोल्स मिलेंगे, जिससे आप गाना की वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो ट्रैक है उसको चेंज कर सकते हैं या फिर सोर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर ये नीचे वाले बटन्स की बात करें तो ये कॉल पिक करने के लिए, डिक्लाइन करने के लिए और वॉइस कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए काम आएंगे। अगर हम सेंटर में आते हैं तो यहाँ पर हमें दो कप होल्डर्स मिलेंगे, उसी के साथ साथ हमें एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक 1.5 एम्स का फ़ोन चार्ज करने के लिए स्लॉट मिलेगा, जिससे आप अपनी टच स्क्रीन भी कनेक्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ एक 1 एम्पियर का सिर्फ फ़ोन चार्ज करने के लिए स्लॉट मिलेगा। अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें 7 इंचेस का टच स्क्रीन मिलेगा, जिसे होंडा डिजी पैड के नाम से कहता है। इसके अंदर आप जैसे देख सकते हैं, जब आप इसमें ओके प्रेस करेंगे तो सबसे पहले नेविगेशन खुलता है, उसी के साथ साथ इसके अंदर आप रेडियो, नेविगेशन, ऑडियो, फ़ोन कनेक्ट करके और साथ ही साथ वीडियो भी देख सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आप अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करके, वाईफाई कनेक्ट करके इस पर ब्राउज भी कर सकते हैं और अपने पसंद का फोटो फ्रेम भी लगा सकते हैं। पैड के नीचे आएगा इस, तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे, जो कि टच ऑपरेटिव हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये दिखने में तो अच्छा लगता है, पर ये एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, और अगर आप ड्राइव करते हुए एसी कंट्रोल्स को चेंज करना चाहेंगे तो आपको एक बारी नीचे देखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। अगर हम बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की गाइस, की ये जो इसके स्पीकर जो कैसा परफॉर्म करते हैं, तो ये सैंपल सुनिए। अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें गाइस, तो इसमें डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा है हायर वॉल्यूम्स पे। ये एक डिसेंट सिस्टम है जिसमें बेस ज़्यादा है बट क्लैरिटी कम है। अगर हम स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट की बात करते हैं, तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, पर इसमें कोई भी टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी आपको। अगर इंटीरियर लाइटिंग की बात करें गाइस, तो इधर आपको दो हैलोजन लैंप्स मिलते हैं, और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एक सेंटर में लाइट मिलती है। अगर हम बात करें इसके रेयर कैमरा की गाइस, तो आपको कुछ ऐसी क्वालिटी मिलेगी। इसका रेजोल्यूशन कम है बट इट गेट्स द जॉब डन। आइए अब बात करते हैं हम इसके ड्राइविंग डायनामिक्स की। अभी बिल्कुल हमने इस गाड़ी को नॉर्मली पिक करा है, मैंने कोई भी रेस नहीं दी है। स्टिल इसका जो टॉर्क है उसने अपने आप गाड़ी को पुल कर लिया, जबकि मैं एक स्लोप पे हूँ अभी। जो इसके गियर शिफ्ट हैं गाइस, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और स्मूथ है। इवन आपको जो कैबिन के अंदर इंजन नॉइज़ होती है वो ना के बराबर मिलेगी। रोड नॉइज़ हाई स्पीड पर थोड़ी सी ज़्यादा आती है, बट इंजन नॉइज़ नहीं है अगर आप इसको नॉर्मली क्रूज़ करें तो। इसकी माइलेज की बात अगर हम करें गाइस, तो ये सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में आपको 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है, और वहीं अगर हम हाईवे की बात करें तो वो स्ट्रेच होके 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर पे आ जाती है। जैसा कि अभी देख सकते हैं, अगर मैंने अभी फिफ्थ गियर डाला हुआ है और मैं 60 की स्पीड पर क्रूज़ कर रहा हूं, तो इसके आसपास ग्रीन लाइट्स जल रही हैं, बट द मोमेंट मैं इसको तेज़ चलाऊँगा, ये ग्रीन लाइट्स जो हैं वो ब्लू लाइट्स में चेंज हो जाएंगी। तो बेसिकली ये एक इंडिकेटर का काम करता है कि आप इकोनॉमिकली ड्राइव कर रहे हैं या अग्रेसिवली ड्राइव कर रहे हैं। जो इसका क्लच का थ्रो है गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और लाइट है क्लच, तो आपको लॉन्ग ड्राइविंग कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात स्टेबिलिटी की, तो इस स्पीड में गाड़ी बहुत ज़्यादा प्लांटेड है, स्टेबल है, आपको किसी भी प्रकार
पर जो इसका सस्पेंशन है वो सॉफ्ट है थोड़ा, जो कि कंफर्ट ओरिएंटेड है। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा स्टिफ होता तो ड्राइविंग डायनेमिक्स और ज़्यादा अच्छा हो जाता और ड्राइविंग प्लेजर बढ़ जाता। जो इसकी ब्रेकिंग है गाइस वो भी कॉन्फिडेंट है काफ़ी, गाड़ी अपनी लाइन नहीं छोड़ती है और पावरफुल ब्रेक्स हैं, तो पैनिक ब्रेकिंग कंडीशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा पुल करें अब, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पिकअप काफ़ी अच्छा है, गाड़ी बहुत इजीली 100 पे आ गई है, जबकि अभी मैं फोर्थ गियर पे ही हूँ। अब हम इसको एक बार ही रोक के और फिर से अग्रेसिवली लॉन्च करके देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर होने देते हैं। फर्स्ट गियर रेव पूरी करता है तो F 4,500 पर रुक जाती है। जो VTEC मोटर है गाइस वो किक इन ही 4,500-5,000 RPM के अराउंड करती है, तो जब VTEC किक इन होता है तो आपको एक अलग ही पावर फील होगी कार से, जिसके लिए इंजन फेमस भी है काफी ज्यादा। VTEC इंजन एक ऐसा इंजन है जो आपको इकोनॉमी और पावर का बहुत ही बढ़िया बैलेंस देता है, ड्राइविंग डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल, कि अगर आप इसको इकोनॉमिकली ड्राइव करते हैं तो ये आपको अच्छी एवरेज देता है, और अगर आप इसको अग्रेसिव भी ड्राइव करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी पावर देता है। इसके हम इसको 0 to 100 अचीव करके देखते हैं, तो ट्रैफिक खाली है, इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है गाइस, और इसने थर्ड गियर में 100 की स्पीड अचीव कर ली है। जो इसका स्टेयरिंग रिस्पॉन्स है ना गाइस वो ऐसा है कि जब आप इसको तेज़ चलाते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली वे अप हो जाता है और फील एंड फीडबैक बहुत अच्छे से देता है। आपको कभी भी स्टेयरिंग से ऐसा नहीं लगेगा कि ये अनरिस्पॉन्सिव है या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसको चलाने में, ऐसा आपको कुछ भी नहीं लगेगा इस स्टेयरिंग के साथ या इवन इस गाड़ी के साथ, क्योंकि इस गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपके पास सजेशन हो या फीडबैक हो जिससे हम वीडियो को और बेटर बना सकें तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।